स्वच्छ अभियान का, प्रगति और उत्थान का, जीवन के हर पहलू में श्रमदान करें। स्वच्छता से क्या क्या फायदे होते हैं? सर, हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती उससे, हमेशा हम साफ रहेंगे उससे। और हमारा देश अगर साफ रहेगा तो और सबको ज्ञान मिलेगा कि हर जगह साफ रखना है। शौचालय अगर नहीं होता है तो क्या होता है? बीमारियां फैलती है। बीमारियां फैलती है। देखिए, पहले का समय जब भी था, 100 में से 7 जिसके घर में शौचालय नहीं था, टॉयलेट नहीं, तो खुले में जाते थे और सारी बीमारी का कारण वो बन जाता। और उसमें सबसे ज्यादा कष्ट माताओं बहनों को होता, बेटियों को होता। जब से हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया तो स्कूलों में टॉयलेट बनाए, सबसे पहले बच्चियों के लिए अलग बनाए, और उसका ये परिणाम हुआ कि आज बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट बहुत कम था, बच्चियाँ स्कूल में पढ़ रही थी। तो स्वच्छता का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आज किस किस का जन्म जयंती है? हाँ, और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, आप में से कोई योगा करते हैं? अरे वाह, इतने सारे। आसन से क्या फायदा होता है? सर, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और सर्कुलेशन अच्छा होता है। अच्छा, आप लोग कभी अच्छा टॉयलेट को छोड़ कर, आपको मालूम है सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सर, आपके द्वारा ये खोली गई एक स्कीम है जो बहुत सारे फीमेल्स को, मतलब फीमेल्स बच्चे को अभी फायदा दे रही है। तो जब हम बर्थ लेते हैं और 10 साल तक हम इसे खोल सकते हैं। तो सर, जब हम 18+ के हो जाते हैं तो हमारी पढ़ाई में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो, तो इसमें हम इससे पैसे निकाल सकते हैं। देखिए, बेटी का जन्म होते ही सुकन्या समृद्धि का अकाउंट खोला जा सकता है। साल में उस बेटी के माँ बाप 1,000 रुपये बैंक में डालते हैं, साल का 1,000, मतलब महीने का 80-90 रुपये। मान लीजिए 18 साल के बाद उसको कोई अच्छी पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, उसमें से आधे पैसे ले सकते हैं। और मान लीजिए 21 साल में शादी हो रही है, उसके लिए पैसे निकालने हैं, अगर 1,000 रुपये रखने हैं तो उस समय जब निकालेंगे तो करीब करीब 50,000 रुपया मिलता है, करीब करीब 30-35,000 रुपये ब्याज का मिलता है। और सामान्य रुपये जो ब्याज होता है ना, कि बेटियों को ज्यादा ब्याज दिया जाता है बैंक से, 8.2%। इसमें बच्चों को है कि हमें साफ करते हुए दिखाया गया है कि नीचे साफ करना, यूज में डस्टबिन ऑलरेडी यूज करो, नीचे मत डालो। देखिए, मैं गुजरात में था तो स्कूल के टीचर, उन्होंने बड़ा अद्भुत काम किया। कहा कि घर में माँ जब खाना साफ के बर्तन साफ करते हैं तो खाने के बर्तन पानी से जब धोती है वो पानी इकट्ठा करते हैं और वो पानी इस बॉटल में भर के हर दिन स्कूल ले आओ, और हर एक को कह दिया कि ये पेड़ तुम्हारा, अपने घर से जो बॉटल में वो अपने किचन का पानी लाएगा वो उसमें डालना उसको पेड़। और मैं जब 5-6 साल के बाद स्कूल गया
पूरा स्कूल इससे भी ज्यादा दूर। अगर हम सुबह कूड़ा डालेंगे और उसमें गीला कूड़ा डालेंगे तो ऐसे जमा करेंगे तो खाद बनती है। हम लोग तो ये करते हैं आप लोगों के घर में ड्राई वेस्ट करते हैं पक्का। माँ को सब्जी लेने जा रही है और खाली हाथ जा रही है, प्लास्टिक में लेके आ रही, तो आप तो भी माँ से झगड़ा करते हो कि मम्मा घर से थैला लेके जाओ, ये प्लास्टिक क्यों लाती हो, गंदगी घर में क्यों लाती हो, ऐसा बताते हैं नहीं बता बताते हैं? अच्छा ये क्या है? गांधी जी का चश्मा। और गांधी जी देखते हैं क्या कि स्वच्छता कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हैं? तो आपको याद रहेगा क्योंकि गांधी जी जीवन भर स्वच्छता के लिए काम करते थे। गांधी जी हर बार देख रहे हैं कि स्वच्छता कौन करता है कौन नहीं करता है, क्योंकि गांधी जी जीवन भर स्वच्छता। मैं गंदगी नहीं करूंगा, पहली आदत ये है, पक्का? Yes, sir. ये युग सच अभियान का, प्रगति और उत्थान का, जीवन के हर पहलू में श्रमदान करे इंसान, यहाँ प्लास्टिक को तुम त्याग दो, कपड़े का थैला ले